अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना। और आज से हम वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेली किसी ना किसी अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। और आप देख रहे हैं हमारा कनाडा मेरा चैनल है और हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स इनका चैनल है। नए आने वालों को थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि हम वो फैमिली है जो पाकिस्तान से कनाडा आए हैं परमानेंट रेजिडेंस वीजा पर। हमारे चैनल्स आप चेक कर सकते हैं डे टू डे व्लॉग्स के लिए। तो ये जो प्लेलिस्ट शुरू हो रही है इस पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे पहले दिन से हम पाकिस्तान से जब कनाडा आए तो किन किन दुश्वारियों का सामना हमने किया, यहाँ पर सेटल होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, हमने कैसे उनको साथ डील किया और अब हम किस स्टेज पर हैं और आगे हम क्या देखते हैं। आपको बहुत सी चीजें इससे सीखने के लिए मिलेंगी। इसमें हम पहले दिन से शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हम किस एयरलाइन से आए थे कनाडा और हम लोगों ने वो एयरलाइन क्यों चूज की और उसके बारे में हमारा कैसा रिव्यू है। हाँ, तो इस बारे में हम जिन चीजों को टच करेंगे वो ये है कि हमारे टिकट्स कितने के थे, कौन सी एयरलाइन से हम आए थे और हम लोगों ने जो है वो उसमें क्या क्या खाया और बच्चों को कैसे हैंडल किया, बच्चों के लिए कौन से गैजेट्स लेके गए थे एक इतनी लंबी फ्लाइट के लिए, टोटल ड्यूरेशन कितनी थी जिसमें हम पाकिस्तान से कनाडा आए और चलने से पहले क्या प्रॉब्लम्स हुए और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने आगे का सफर कैसे किया, घर तक कैसे पहुँचे एयरपोर्ट से घर तक और हम इस एयरलाइन को लोगों को रिकमेंड करेंगे या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि हमारे व्यूवर्स मेरे चैनल के और बिलाल के चैनल के व्यूवर्स के बहुत ज्यादा जो है ना कमेंट सेक्शन में बताया गया था उन्होंने कि हमें आप लोगों का दोनों की जो है ना वो राय सुननी है। तो जनाब जिस एयरलाइन का हमने इंतखाब किया था वो थी TIA और उसको चूज करने का रीजन ये था क्योंकि हमारे साथ थे दो बच्चे। बेसिकली मेरी छोटी बच्ची थी उस वक्त 1 साल की 1 ईयर की और दूसरी थी 4 ईयर्स की, तो इसलिए एक ही है अनफॉर्चुनेटली एक ही पाकिस्तान से ऐसी एयरलाइन है जो पाकिस्तान टू कनाडा टोरंटो नॉन स्टॉप डायरेक्ट फ्लाइट है और उसको कोई वो लेवर नहीं करती, कहीं पे भी उसका स्टे नहीं होता और बाकी जो फ्लाइट्स थी वो कम से कम उनका 7-8 घंटे का जो है ना बाकी एयरपोर्ट्स पे स्टे था। तो हम ये चाहते थे कि ठीक है एक कड़वा भूल भरने के जैसा है कि आपको नॉन स्टॉप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तकरीबन 15 से 16 घंटे का सफर तय करके, लेकिन जितनी जल्दी ये चीज खत्म हो हम ये चाहते थे। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसका खाना कैसा था, लेग स्पेस कैसी थी क्योंकि हम इकोनॉमी टिकट्स लेकर गए थे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि PIA के थ्रू पाकिस्तान से कनाडा आने पर हमारा खर्चा कितना आया था। उसके लिए ये बताना जरूरी है कि उस वक्त हमारी बड़ी बेटी जोहा की उम्र थी 4 ईयर्स की वो थी और छोटी थी 1 ईयर की, तो जोहा का था 75% टिकट उसकी प्राइस आई थी 75% क्योंकि उसकी सीट थी एक, उसको सीट मिली थी, हमारी 3 सीट्स थी, छोटी अजीनिया की कोई सीट नहीं थी क्योंकि वो 1 ईयर थी, लेकिन उसका भी हम लोगों ने 25% पे किया था, बाकी हम दोनों का फुल टिकट था। तो टोटल जो हमारा था इन पाकिस्तानी रुपीस खर्चा आया था 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से 5-10 हजार रुपए कम आया था, लेकिन 6 लाख आप जेन में रख सकते हैं। दैट वॉज वन वे टिकट एंड दैट वॉज अ वे बेटर प्राइस थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम पे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हम लोग को सजेस्ट किया था, वही बात है ना जब कोई बड़ा आपको सजेस्ट करे तो उसकी सजेशन मान लेनी चाहिए, उसमें आपकी ही आपका ही फायदा होता है। तो उन्होंने हम लोगों को अर्ली टिकट बुक कर, अगर आप लोग जितनी अर्ली कराएंगे ना लाइक हम लोगों ने शायद 3-4 मंथ्स पहले बुकिंग करा ली थी और एजेंट से, वो भी हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट से करवाई थी बुकिंग 3-4 मंथ्स पहले। मतलब हमने इधर फरवरी में आना था तो हमने नवंबर के एंड में टिकट्स ले लिए थे। अच्छा, जब PIA के हमने टिकट्स ले लिए उसके बाद फिर बैगेज का था कि कितना हमें बैगेज अलाउड था। मैं तो वैसे भूल सा चुका हूँ लेकिन मेरे ख्याल में इट वाज 2 बैग्स पर एडल्ट
एंड आई थिंक वन बैग 28 केजी जो है ना वो एक एडल्ट का 27 था या 28 थी हाँ उस पीआईए की लाजमी आप लोग जो है ना उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं डोंट गो बाय आवर वर्ड्स हम सिर्फ जो रिकॉल कर सकते हैं बता रहे हैं वहां पे हम लोगों ने दो बैग्स लिए थे और एक बंदे को दो बैग्स अलाउड थे और बच्चों का एक एक था बच्चों का मुझे याद नहीं है बच्चों के भी शायद जोहा के दो बैग्स थे जीनिया का एक था बिकॉज उसकी इंडिविजुअल एक प्रॉपर सीट थी जोहा की भी सो हर जो बैग था दैट वाज सपोज्ड टू बी 28 केजी और हमने अब देखें क्योंकि हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे थे कि पाकिस्तान से सब कुछ अपना समेट के हम कनाडा आना चाह रहे थे खास तौर पे जो हमारे प्रेशियस थिंग्स थी जिसमें प्रेशियस ऑफ द मोस्ट प्रेशियस चीज हिना के कपड़े थे पाकिस्तानी कपड़े जिनका कनाडा में कोई रेलिवेंस ही नहीं है कोई रिवाज नहीं चीज की वीडियो मैं अलहरा से बताऊंगी कि कनाडा में कौन कौन सी चीजें लानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं लानी चाहिए जो हम लोग ला कर पछताए हैं कि हमने इतना ओवरवेट क्यों किया अपने आप को तो हमारे जो बैग्स थे वो हिना के जो कपड़े थे मेरे ख्याल में वो तीन बैग्स में वो समाये थे और बाकी के बैग्स में बाकी बची खुची चीजें थी अब उन बैग्स को हमने तो पाकिस्तान से निकलने से पहले हमने क्योंकि इतना कुछ अपने साथ हमारी कोशिश थी जितना कुछ हम लेके जा सके अपने साथ ले जाएं यहाँ तक कि हम अभी हम लोग वो नहीं डिस्कस कर रहे अभी हम लोग पीआईए पे चल जाते हैं ओके ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे तो बहरहाल हमने निकलने से पहले एक एक बैग को वे किया था आप शुरू की हमारी वीडियोस देख सकते हैं हमारा कनाडा पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी डिटेल से कि हमने कैसे एक एक बैग का वे किया हम था हम लोगों ने वेइंग मशीन से भी वे किया था और बिलाल को तो उठा उठा के बेचारे जो है ना मैं और चीजें डालती थी अब इसका वे करे अब ज्यादा हो गया अब उस दूसरे में ट्रांसफर करो फिर वे करे हम लोग वेइंग मशीन हमारे पास थी हम लोग उससे भी करते थे और साथ में हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए आखिरी दो दिन के लिए जो है ना वो जो होते हैं ना आटे वाले के पास जो होता है वो जो उनका तराजू होता है वो उसका जो ऊपर का स्केल होता है वो हम लोग उनसे जो है ना दो दिन के रेंट के ऊपर जो है ना वो लेकर आए थे बिलाल और उससे भी बिलाल वेट करते थे कि वो सेंटर में वो बताते हैं स्केल पे कितना वेट है उस चीज का तो वो भी करके आए थे और वो हमारा सबका हम लोगों ने ऊपर चेक्स लगा दी थी कि ये इतने केजी ये भी 28 है ये भी 28 है ये भी 28 हमारी कोशिश थी कि 28 से कम ही रखे एक एक किलो हमारी कोशिश थी कि 27 किलो हो और अपनी तरफ से हम यही करके गए थे वो और बात है कि जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे और हमारे बैग्स का वजन हुआ तो क्या पता चला पता ये चला था कि एक बैग जब उसने बेल्ट के ऊपर रखा तो इट वाज फॉर लाइक 32 केजी एंड और बिलाल ने बड़े मजे से बच्चों को लेके बिलाल पीछे प्रैम के पास चले गए थे और बिलाल बच्चों को लेके साइड पे चले गए थे और मैं ही काउंटर पे थी मैं ही सारे बैग लगेज जो है ना चेक इन करवा रही थी हमने अपने साथ जो है ना वो दो उनको भी हायर किया हुआ था जो कि वो अंदर लेकर आते हैं तो लगेज तो एक था 33 केजी का दूसरा था 32 केजी का तीसरा था 34 एक था और वो बोल रही है कि मेरे आगे से जो मशीन है वो टोकन निकाल ही नहीं रही ना देयर इज अ मार्जिन ऑफ लाइक टू बैग्स का कि आप 32 केजी कर सकते हैं वो वजन ही नहीं बता रही लेकिन आपके तो सारे 30 से अबव जा रहे हैं एंड मैं सोची ये तो ये सबसे कम जिस लगेज में वेट था उसका 36 केजी आ गया है तो फिर बाकियों का क्या बनेगा तो ये तो हमारे बैग्स थे जो तकरीबन सारे 30-30 किलो के थे इसके अलावा जो हमारी प्रैम थी वो लोडेड थी हमारी जैकेट्स के साथ हमारे इवन यूट्यूब का जो सिल्वर बटन है मेरा बिलाल जफर शो का और हमारे लैपटॉप तो बहुत सी चीजें हमने पूरी प्रैम भी साथ में क्योंकि वो बैग्स के अलावा हम अपने साथ एक एज अ कैरी लेकर जा रहे और उसके अंदर जो था वो बिल्कुल भी जो है उसका वे नहीं हुआ था और उसके ऊपर इसलिए ये सारा कुछ था क्योंकि हम लोगों ने सख्त विंटर्स में स्नो स्टॉर्म में हम लोगों ने कनाडा में लैंड करना था लाइक इट वाज लाइक -20 एट दैट टाइम और हम लोग उधर से तो गर्मी में चढ़ रहे थे लेकिन हमने लैंड करना था -20 में और उधर लगेज का विंटर्स में जो है ना टोरंटो एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा थोड़ा सा जो होता है बहुत ज्यादा लगेज के फ्लाइट्स डिले हो रही होती हैं बैगेज पहले आ जाते हैं तो इसलिए हम लोगों ने उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ था उस वीक में ना कि लोगों के बैगेज जो है ना वो बहुत ज्यादा टोरंटो एयरपोर्ट पे थे तो इसलिए फिर हम लोगों ने अपनी जैकेट्स वगैरह सारे बच्चों की पहले मैंने कैरी कर ली थी लगेज से बाहर कैरी की थी और अपनी भी जैकेट्स जो हैवीएस्ट हमें मिल सकी थी पाकिस्तान से क्योंकि वी ट्राइड टू कम ओवर प्रिपेयर्ड
तो दो दो जैकेट्स मैंने पहनी हुई थी, दो हिना ने पहनी हुई थी, बच्चों की अलग हमने उठाई हुई थी, और वो जो इतना पैराशूट मटेरियल स्लिप हो रहा होता है और इतना कुछ वैसे ही लदा हुआ था, हर चीज फिसल रही थी मेरे से, तो बहुत ही मुश्किल था उस सामान को पहले तो एंटर करवाना, फिर उसको लेकर आना, बाद में जिस मुश्किल से हम गुजरे जब इधर पहुंच गए, तो वो हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि बहुत ही छानबीन करके बहुत ही लिमिटेड सामान अपने साथ लेकर आए, यहाँ से सब कुछ मिलता है, खैर वो चीजें हम उस वीडियो में बताएंगे। सो कमिंग टू द PIA रिव्यू, अब जो PIA की जो एयरबासी कहते हैं, तो जो मतलब हमारी लेग स्पेस थी ऑलमोस्ट कंपेरेबल थी टू एयर ब्लू, हमारे इकोनॉमी टिकट्स थे, और लेकिन 14 घंटे के लिए जो दौरानिया था पाकिस्तान से कनाडा पहुंचने का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जब एंटर हुए थे, असल में हम लोग के पास थी प्रैम, तो जो प्रैम वाले होते हैं ना उनको सबसे एंड में रखते हैं वो लोग, क्योंकि प्रैम को आपने फोल्ड करके उनको टर्मिनल के पास ही जो है ना जमा करवानी होती है, क्योंकि हम लोग टर्मिनल तक प्रैम लेके गए थे और अपने हैंड कैरी लेके गए थे, और हमारे हैंड कैरी जो थे ना वो हैंड कैरी नहीं थे, हमारे हैंड कैरी ओवर हैंड कैरी थे, और साथ में जो है ना प्रैम एंड में हम लोगों ने जमा कराई, और हमारा जो टिकट था वो हमें मिला था प्लेन के टेल पे, लाइक हमें प्लेन के टेल पे मिली थी टिकट हमारा, और फुल जो है ना प्लेन पहले हो गया था, हम लोग एंड पे गए थे, और एंड पे जब हम लोगों ने चेक इन किया तो प्लेन पूरा फुल हुआ हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे, और हम लोग बच्चों के साथ इतने हैंड कैरीज के साथ, और जीनिया को उठाना था, गोद में थी वो, उसको भी उठाना, अब सारे प्रैम फोल्ड होके तो टर्मिनल में चली गई, लेकिन अब प्रैम के ऊपर जो हम लोगों ने सामान था अब वो हम लोग से उठाया ना जाए, क्योंकि बच्चे भी थे, हम भी थे, हमारे पास हैंड कैरी सूटकेसेस थे, दो सूटकेस बल्कि तीन थे, और वो लेके हमने एंड पे टेल तक जाना था, तो वो जो था, और साथ में इतना पता नहीं क्यों इन लोगों ने जब प्लेन बंद हुआ हुआ था तो इतनी सफोकेशन और इतना हीटेड था वो प्लेन अंदर से, कि अजीनिया रो रो के उसको घबराहट हो रही थी, तो हम लोग टेल तक इतनी मुश्किलों से पहुंचे, और सेकेंडली ऊपर जो है ना सारे जो वो थे ना केबल्स वो फुल हुए हुए थे, दे वर फुल, इवन हमारी सीट के ओपन वाले केबल्स जो है वो फुल हुए हुए थे, हम लोग को समझ नहीं आता, एयर होस्टेस बोल रही थी वहां की कि इतना सामान लेकर क्यों आए जब आपको लाना, लेकिन वो कह रही थी पता नहीं इतना सामान आने कैसे देते हैं, बट थिंग इज अगर हमारे हैंड कैरी उन्होंने अलाउ की है और हम लोग ला रहे हैं तो आप लोग को हमें जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अब हम लोग सीट पे अपनी गोद में तो नहीं हैंड कैरी सूटकेसेस रखेंगे, तो बिलाल को मिली थी हम लोग की सीट से अगला दर जाके बिलाल ने अपने हम लोगों ने हैंड कैरीज रखे थे, और हमें अब कोई नहीं पता था कोई कुछ निकाल सकता है कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो स्पेस नहीं, स्पेस फुल थी, हमें ये सबसे ज्यादा टेंशन थी कि हमारे साथ थी एक साल की जीनिया, और जो 14 घंटे का एक मुसलसल सफर है उसमें जीनिया ने अगर एक दफा रोना शुरू कर दिया तो उसको हम तो सह लेंगे बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे आगे पीछे वाले जो है क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इतनी मुसाफत तय करके जाने इतने पहले ही मुश्किलों में होंगे, ऊपर से जीनिया की टा टा हा हा बा बा उससे जो है ना लोग ना परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ्लाइट करते थे तो बच्चों की जब आवाजें आती थी तो हम लोग खुद बड़ा डिस्टर्ब होते थे कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम उसकी ट्रेवलिंग थी और फर्स्ट टाइम वो प्लेन में बैठी थी, क्योंकि बच्चों के जो है ना कान बंद होते हैं उनको पेन